afternoon guys, am I visible and audible to everybody? Wow guys, class start होने से पहले ही 12 likes, so cool. How are you guys? Hi Fazan, ma'am, will you make my friends all please? क्या कह रहे हो आप फैजान? guys, फैजान से friendship कर लो, friends बनाना चाहता है वो आपको, right? Hi Kartik, Ashish, Avinash. Please tell me one thing, if live class is going on, then how can another? क्या पूछ रहे हो अविनाश, सुनीता, कार्तिक, अर्कम, तुलसी, अंशिका, सुनीता, अर्कम, everybody. Guys, am I visible and audible to you? Guys, can you see me and hear me? Hi, Kartik. Guys, I am not able to read your comments. Guys, am I visible? Hi, Arkam. Hi, Malaya. Hi, my awesome blossom kids. You like your new name, right? Hi Mantrana, ma'am, you are perfectly audible and visible too. Thank you, Arkam. Hi Ruhani. Hi Shruti, Sunita. Ma'am, you are okay. Ma'am, my name is Avantika. Thank you, beta Avantika. Chahat, Avinash, Mantrana, Tulsi, Shruti, Harshini, ma'am, Prachi, taking same topic. Okay, beta, okay. ओके ग्रेट अनी मानसी कार्तिक मैम आई कम्प्लीटली फिनिश्ड माई मैथ्स एग्जाम एंड सबमिटेड टुमारो इज माई लिटरेचर एग्जाम ऑल द बेस्ट कार्तिक दैट इज सो कूल हाय तनीशा फैजान गुड बेटा गुड ऑसम चलो हाय माई ऑसम ब्लॉसम किड्स सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू फ्रेश चैप्टर आज हम ये न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा फाइबर टू फैब्रिक हाय अनमोल एंड अनी कुनाल हेलो मैम मनन सर क्लास इज नॉट फिनिश दैट्स वाई स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग कोई बात नहीं बेटा जाकर के बता दो मनन सर एक दो मिनट में फिनिश कर देंगे मैं बता देती हूँ मनन सर को चलिए ग्रेट मैम मनन हाँ कुनाल जाकर के बच्चों को कमेंट्स में बता के आ जाओ कि साइंस क्लास शुरू हो गई है ना अनूप मैम योर सॉन्ग इज सोना कितना सोना है सोने जैसा आपका कोड तू मेरा एजुकेटर नंबर वन थैंक यू मीनाक्षी कार्तिक थैंक यू मैम बिकॉज ऑफ योर ब्लेसिंग आई रिटन ऑल दी क्वेश्चन वाओ दैट इज सो कूल कार्तिक चलो अभी बेटा स्टार्ट करते हैं तो आज जो बच्चे हाय मिठू हाउ आर यू सो गाइज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फाइबर टू फैब्रिक जो लोग अभी तक मेरे साथ जिन्होंने एक भी क्लास अटेंड नहीं करी है हाय दृष्टि बेटा हाय कुनालिका कृष्णा हेलो यश हेलो तो बेटा दोज ऑफ यू हु आर जॉइनिंग विद मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ है ना गाइस मेरा नाम सोनाक्षी है हाय मैम मोनू सर की रेड आने वाली है क्या बात है मोनू सर की रेड जल्दी से आ जाओ भाई तो गाइज मेरा नाम है सोनाक्षी कौशिक एंड मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैम दिस इज ऑसम बैकग्राउंड रियली यू लाइक इट दिस बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है बेटा देन बेटा आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम निम्स यूनिवर्सिटी आई हैव मेंटोर्ड ओवर 5000 किड्स एंड आई हैव डन एडिटिंग ऑफ केमिस्ट्री बुक्स फॉर क्लासेस 6 to 12 यस हितार्थ ऑफकोर्स आई रिमेंबर यू हाई फ्रॉम मोनू सर की रेड अरे वाह मोनू सर की रेड आ गई है क्या बात है क्रिश मैं क्यों भूलूंगी बेटा आपको चलो मैं किसी को भी नहीं भूली मुझे सब लोग याद हो भावेश मानिया एवरीबॉडी वेलकम बेटा वेलकम टू द क्लास थैंक यू दिवाकर थैंक यू हाय फ्रॉम मोनू सर क्या बात है मोनू सर खुद हेलो तो करने आते नहीं है बच्चों को बोलते हैं कि मेरी तरफ से हेलो करो क्या बात है चलो ठीक है मोनू सर को आप लोग मेरी तरफ से हेलो कर देना गाइज मेरा कोड है Sona10 डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड राइट गाइज हाय राखी गुड आफ्टरनून बच्चा लोग एवरीबॉडी वेरी गुड गाइस तो लाइक टारगेट के लिए तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज आई नो यू आर माय ऑसम ब्लॉसम किड्स और आप लोग अपने आप ही लाइक टारगेट अचीव कर देंगे राइट चलो बेटा आई टेक क्लासेज ऑन टू चैनल्स अन अकेडमी 7th एंड अनलर्न 6 to 8 आप लोग दोनों चैनल्स के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा मैम हाई फ्रॉम एस के आर्मी सोनाक्षी कौशिक आर्मी क्या बात है मेरी भी आर्मी बन गई एस के आर्मी क्या बात है दैट इज सो कूल मैम का सोने जैसा कोट यस बेटा यस दिस इज फाइबर टू फैब्रिक बेटा वेरी गुड हाई रितानिया नहीं नहीं
कोई होमवर्क नहीं है, हम लोग क्लास में ही पढ़ेंगे, क्लास में ही लर्न करेंगे। हाय गृहश्री, अजय मैम, विपुल इज हियर, हाय विपुल, एवरीबडी, मैम आप भूल गए, मैं आदिति हूँ। ओ अच्छा, सॉरी मैम, प्लीज ईट मैंगो, अच्छा ऑरेंज, डॉक्टर सेड ऑरेंज इज गुड फॉर हेल्थ। थैंक यू बेटा मानसी, थैंक यू। शिंचन, शिंचन बाद में आएगा बेटा, ठीक है, तुलसी मेरे लिए तुलसी वाली चाय लाइए, क्या बात है। क्या बात है, मोनू सर की आर्मी लाइक करने वाली है, क्या बात है, चलो ठीक है, अभी आगे चलते हैं बेटा। देखो आस्क अ डाउट फीचर है AAD, इसमें आपको कैसे क्वेरी पूछनी है अपनी, येलो क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करो, क्रॉप करो क्वेश्चन को, फाइनली सबमिट कर दो, यू विल रिसीव इट्स आंसर इन दी फॉर्म ऑफ अ वीडियो। हाय पवन, हाय एवरीवन। सो गाइज, इफ यू आस्क योर डाउट यू कैन गेट द चांस टू विन IPL मर्चेंडाइज, एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीरीज मिलता है हाईएस्ट डाउट्स इन अ डे पे, एमर्जिंग प्लेयर एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज मिलता है हाईएस्ट डाउट्स इन अप्रैल। मैम आई जस्ट ड्रिंक ऑरेंज जूस, गुड 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 बच्चा लोग। गाइज आपका नाम अच्छा है ना, ऑसम ब्लॉसम किड्स, तो किड्स लेट स्टार्ट विद द ब्रांड न्यू चैप्टर। कौन कौन एक्साइटेड है न्यू चैप्टर के लिए, फाइबर ट्रू फैब्रिक। गाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, छोटे की पढ़ाई, मैम यू आर इग्नोरिंग मी, नो बेटा आई नेवर इग्नोर माई किड्स बिकॉज यू गाइज आर माई ऑसम ब्लॉसम किड्स, राइट, सो आई नेवर इग्नोर माई ऑसम ब्लॉसम किड्स, ठीक है। चलो गाइज यू आर एक्साइटेड फॉर द न्यू चैप्टर, मैम ओनली 30 लाइक्स, मैम इज एंग्री, नो नो बेटा आई एम नॉट एंग्री, कार्तिक डोंट से दैट। मैम मैं भी आपकी आर्मी में शामिल होना चाहता हूँ, प्रभा हो जाओ शामिल मेरी आर्मी में, सब लोग हैं मेरी आर्मी में, ठीक है। ऑसम ब्लॉसम किड्स, यस भानुप्रिया, वेरी गुड, क्या बात है, चलो सब लोग लाइक कर देना, ठीक है। अभी मैं स्टार्ट कराती हूँ बेटा फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर, ठीक है। देखो आपने 6th क्लास में पढ़ा है कि फाइबर क्या होता है और फैब्रिक क्या होता है, तो कौन मुझे बताएगा व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म फैब्रिक, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दो फैब्रिक क्या होता है। गाइस प्लीज लाइक द वीडियो, मैम हम तो मोनू आर्मी रहेंगे, आप मोनू आर्मी रहिए बेटा, जिसको जिसकी आर्मी में रहना है ना, मेरे तो वैसे भी ऑसम ब्लॉसम किड्स हैं, आई बिलीव इन नॉन वायलेंस, ठीक है ना, तो मैं कोई आर्मी वार्मी को सपोर्ट नहीं करती बिकॉज आई वॉन्ट ऑल ऑफ माई किड्स टू बी ऑसम ब्लॉसम, राइट। मैम आज लाइक की मॉनिटर कौन है, कोई भी बन जाओ, भानुप्रिया आपको बनना है आप बन जाओ, जो भी बनना चाहता है वो बन जाओ, ठीक है ना भानुप्रिया। यस बेटा, फैब्रिक होता है सिंपली अ पीस ऑफ क्लोथ, किसी भी कपड़े के पीस को। मैम गाइज डिड यू वॉन्ट मिरिंडा जूस, ठीक है। मैम मैं अन अकेडमी आर्मी में शामिल हूँ, मिडिल क्लास गेमर, ओके बेटा वेलकम टू दी अन अकेडमी आर्मी। चलो बेटा फैब्रिक क्या होता है, फैब्रिक एक पीस ऑफ क्लॉथ होता है। अभी ये पीस ऑफ क्लॉथ किससे बनता है बेटा, पीस ऑफ क्लॉथ इज मेड अप ऑफ थिन थ्रेड्स, जो थिन थ्रेड होते हैं दे आर नोन एज फाइबर्स, सो लूज एंड थिन थ्रेड्स आर कॉल्ड एज फाइबर्स। मैम आप बता दो कि फाइबर क्या होता है, बेटा फैब्रिक पीस ऑफ क्लॉथ हो गया, अब पीस ऑफ क्लॉथ कोई भी कपड़ा किससे बनता है, थ्रेड से, तो वो जो लूज थ्रेड है उसको हम कहते हैं फाइबर। इज इट क्लियर टू एवरीबडी, हाय शुभांगी, नकली दिल ओपी, यस गाइस नकली दिल ओपी। मैम आई एम न्यू बट ओल्ड, नागभद्र बीशा, बेटा आपका नाम तो बताओ। हाँ कुणाल आई रिमेम्बर यू, कार्तिक मैम यस, छोटी छोटी क्यूट बच्चे ड्रॉइंग। चलो गाइस जल्दी से बताओ समझ में आ गया, गिव मी अ थम्स अप, यू आर ऑसम, थैंक यू पवन। मैम स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर लाइफ, यस भानुप्रिया, हाय राज। चलो गाइज फाइबर और फैब्रिक दोनों चीजों का मतलब समझ में आ गया, फैजान को समझ में आ गया, बाकी सबको समझ में आ गया, रिशित नाम है आपका, अच्छा रिशित हो, नई आईडी से आयो आज, अच्छा ठीक है। तुलसी रिपीट कर दूं, देखो ठीक है, मंत्रणा मैम आप अन अकेडमी ऐप पे फ्री क्लास लो ना प्लीज 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 प्लीज। मंत्रणा आई विल ट्राई माई बेस्ट, पर अभी आई एम टेकिंग यूट्यूब क्लास, आई विल ट्राई, है ना, चलो क्लियर है। पर तुलसी के लिए एक बार रिपीट कर देते बेटा, कोई भी पीस ऑफ फैब्रिक, पीस ऑफ क्लोथ जो होता है वो फैब्रिक होता है, एंड क्लोथ किससे बनते हैं, लूज थिन थ्रेड से, जो ये थिन थ्रेड होते हैं, ये थिन थ्रेड, दीज आर नोन एज फाइबर्स। अभी क्लियर है तुलसी, रितानिया, रिशित, एवरीबडी, यस अजय,
लूज थिन थ्रेड्स आर नोन एज फाइबर। स्टेप बाय स्टेप हेयर स्टाइल मैम से हाय। हाय बेटा। गाइज अभी फाइबर और फैब्रिक सबको क्लियर हो गया तो ये स्वैग वाला सिंबल बना दो कमेंट्स में। गाइज आर वी रेडी? कार्तिक हाय। मैम हाउ मेनी क्लासेस यू हैव? अभी 1 बजे है, 1 बजे के बाद शाम को 6 बजे। वी हैव 2 क्लासेस टुडे, 1 PM एंड 6 PM। ठीक है बेटा, ग्रेट, सबको क्लियर हो गया है। अभी देखो बेटा, ये जो फाइबर्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। वी हैव टू स्टडी 2 टाइप्स ऑफ फाइबर। फर्स्ट टाइप का फाइबर है नेचुरल फाइबर एंड द अदर टाइप ऑफ फाइबर इज सिंथेटिक फाइबर। गाइज फर्स्ट वन नेचुरल फाइबर, सेकेंड वन इज सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल, मैम मेरी ऑनलाइन क्लास भी हो रही है बट मैं ऑडियो ऑफ करके आपकी क्लास सुन रही हूँ। OMG भानुप्रिया, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप वो वाली क्लास अटेंड कर लेना, ठीक है ना। मैम तो 9 PM को नहीं होगी? नहीं बेटा, आज 9 PM नहीं है, आज सिर्फ 6 PM पर है और 1 PM पर, ठीक है। वाओ रुद्राक्ष, आपका नाम तो बड़ा सुंदर है रुद्राक्ष। मैम 67 वॉचिंग, वाओ बेटा दैट इज सो कूल। तो गाइस नेचुरल फाइबर वो फाइबर होते हैं जो हमें नेचर से नेचुरली मिलते हैं, ठीक है। और कुछ सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जिनको हम केमिकली सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है गाइस, इतना क्लियर है। अभी नेचुरल फाइबर कौन कौन से? मैम मैं टेलीग्राम की ग्रुप ज्वाइन कैसे करूँ? यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा एक लिंक दिया होगा, उस पर जा करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखो नेचुरल फाइबर नेचर से मिलते हैं। नेचुरल फाइबर अगेन 2 टाइप के होते हैं, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। जो प्लांट से नेचुरल फाइबर मिलते हैं उसको हम प्लांट फाइबर बोलते हैं, एंड वो फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स नेचुरली आर नोन एज एनिमल फाइबर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद प्लांट एंड एनिमल फाइबर फर्स्ट, ठीक है बेटा। सबसे पहले देखो किड्स फन, सॉरी मैम बट विनोद, आपका नाम विनोद है, ओके बेटा। तो नेचुरल फाइबर्स जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं उनको हम कहते हैं प्लांट फाइबर। गाइज कैन यू नेम 2 प्लांट फाइबर्स? जल्दी से मुझे 2 प्लांट फाइबर्स के नाम बता दो। यस गाइज जल्दी से बता दीजिए। मैम रुद्राक्ष आई नो हिम रियली, ही इज हियर इन अन अकेडमी जूनियर स्टार्स, ही इज देयर अटेंड अन अकेडमी जूनियर स्टार। अच्छा वो अन अकेडमी जूनियर स्टार्स में भी अटेंड करते थे कार्तिक, आप उन्हें जानते हो? वेरी गुड, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड, सबने सही आंसर दिया। प्लांट फाइबर्स कौन कौन से होते हैं बेटा? कॉटन एंड जूट, दोनों प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। कॉटन की फील्ड्स होती है, जो कॉटन की फील्ड होती है बेटा उस पर जब व्हाइट कलर का कॉटन का फ्रूट लगता है ना, तो ऐसा लगता है कि पूरी जो फील्ड है वो स्नो से भर गई, एकदम व्हाइट एंड ब्यूटिफुल कॉटन की फील्ड्स होती हैं, ठीक है। यस गाइज वेरी गुड। अभी चलते हैं एनिमल फाइबर्स पे। अभी एनिमल फाइबर्स के 2 एग्जाम्पल दो गाइज। मैम मेरा आंसर सही है, वेरी गुड बेटा, सबका सही है, गुड गुड गुड। अभी बताओ एनिमल फाइबर्स के 2 एग्जाम्पल गाइज। हाय मैम स्वाति हियर, हाय स्वाति हाउ आर यू? मेरे ऑसम जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं ना गाइज, मैं आपको बता दूँ, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को कहती हूँ ऑसम ब्लॉसम किड्स, ठीक है। तो सारे न्यू स्टूडेंट्स जान लो, आप लोगों का नाम है ऑसम ब्लॉसम किड्स, ठीक है। वेरी गुड बेटा, सबने सही एग्जांपल दिया। एनिमल फाइबर है वूल एंड सिल्क, ये दोनों बेटा हमें एनिमल्स से मिलते हैं। तो बेटा इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं वूल फाइबर एंड सिल्क फाइबर के बारे में। आज हम वूल फाइबर का ऑपरेशन करेंगे, वूल फाइबर का इतने अच्छे से ऑपरेशन करेंगे, इसके बारे में डिटेल में एक एक छोटी छोटी बात सीखेंगे। और सारे बच्चों, सारे ऑसम ब्लॉसम किड्स, मेरी बात ध्यान से सुनो, हम लोग क्लास में ही लर्न करके जाएंगे सब कुछ, कोई होमवर्क नहीं है। बस क्लास के बाद अगर भूल जाओ तो माइंड मैप बनाना या फिर वापस से क्लास में आकर के एक बार इसको सुन लेना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है गाइज, ये तरीका ठीक है पढ़ने का। मैम व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस क्लास? 1 बजे से 2 बजे तक। ओपी मैम ठीक है बेटा, वेरी गुड, सबको अपना नाम अच्छा लगा, ऑसम ब्लॉसम किड्स, वेरी गुड। हाँ तो गाइज सब लोग, हाँ हाँ सिंधुजा मैंने पहचान लिया आपको, माई पिज्जा गर्ल, यस मैम ध्यान से करना, वो मर ना जाए ध्यान से। कौन मर ना जाए बेटा? क्या बोलते हो तुम लोग, कुछ भी बोलने लगते हो। यस मैम,
तो गाइस सब लोग क्लास में लर्न करके जाएंगे, कोई भी बुक खोल के किसी को लर्न करने की रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैम मेंटी कब होगी? लास्ट में होगी मेंटी, पहले चैप्टर अच्छे से समझेंगे और जितना कंटेंट हम आज की क्लास में कवर करेंगे सिर्फ उतने ही पोर्शन में से मैं मेंटी देने वाली हूँ, ठीक है बेटा। कार्तिक मैम माय नेम इज लामा एंड अल्पाका। आप लामा और अल्पाका गोट हो, अंगोरा गोट हो? नहीं नहीं कोई गोट नहीं है, सब मेरे ऑसम ब्लॉसम किड्स हैं। मैम वूल का ऑपरेशन ध्यान से करना, बहुत ध्यान से करूंगी बेटा वूल का ऑपरेशन करूंगी, और आप लोगों को उसकी डिटेल, एक एक छोटी छोटी डिटेल आपको क्लास में लर्न करवा दूंगी, ठीक है बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। मैम शीप का ऑपरेशन कर रहे हो ना? नहीं 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 खाली वूल चैप्टर का, वूल का। तो वूल स्टार्ट करते हैं बेटा। वूल जो है एनिमल फाइबर है, मोस्ट कॉमन। वूल इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर बनाने के काम आता है, शॉल्स को बनाने के काम आता है। गाइस हम विंटर में वुलन क्लोथ क्यों पहनते हैं? कैन एनीवन टेल मी? गाइस कैन एनीवन टेल मी व्हाई डू वी वेयर वुलन क्लोथ इन विंटर सीजन? मैम क्लास एंड कब होगी? अर्पिता आपको क्लास में मजा नहीं आ रहा, आप बार बार पूछ रहे हो मैम क्लास एंड कब होगी। हाँ गाइस आर यू नॉट हैविंग फन? व्हाई दानिया, व्हाई इज वूल वार्म? वेरी गुड अनुराधा ने सही बताया। यस मैम बट दे आर इन साउथ अमेरिका बट आई एम इन इंडिया, वॉट टू डू? एनी आइडिया? कार्तिक आपको तो फिर साउथ अमेरिका में मुझे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। मैं कहूँगी एक अल्पाका मेरी क्लास में आ गया है गलती से, इसको इसकी जगह पे भेज दो, इसकी जगह है साउथ अमेरिका, है ना कार्तिक? हाँ जिससे हमें कोल्ड ना लगे, क्योंकि बेटा वूल जो है इट ट्रैप्स अ लॉट ऑफ हीट, ठीक है। वो हीट को ट्रैप करके हमें वार्म्थ प्रोवाइड करता है, ठीक है बेटा। सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड। अभी वूल का सबसे कॉमन सोर्स है फ्लीस ऑफ एनिमल। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लीस? बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि फ्लीस का मतलब क्या होता है, वन मार्कर क्वेश्चन आता है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लीस? पीएचडी पिज्जा होम डिलीवरी, क्या बात है। हेयर, वेरी गुड बेटा। फ्लीस मतलब एनिमल के स्किन पर, एनिमल की बॉडी पे जो हेयर होते हैं दे आर नोन एज फ्लीस। तो गाइस ये वूल का सबसे कॉमन सोर्स क्या है? सबसे कॉमन सोर्स है शीप या फिर गोट। शीप या गोट की बॉडी से वूल को हम लेते हैं। बट डू यू नो वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम याक एंड सम अदर एनिमल्स जैसे कि कैमल, गोट। आपको मालूम है रैबिट की स्किन का भी से भी जो हेयर होते हैं उसको लिया जाता है। फ्लीस मीन हेयर और फर ऑफ एनिमल्स। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सबने सही बताया फर। तो गाइस द हेयर ऑफ वूल यील्डिंग एनिमल ट्रैप्स अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी एज एयर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो द हेयर कीप्स दीज एनिमल वार्म। अभी गाइस इन एनिमल्स की बॉडी पे क्यों होते हैं फर? मैम प्लीज बताइए कि कौन सी लिंक क्लिक करें। बेटा यूट्यूब, अभी इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलोगे ना वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का एक लिंक है, उससे ज्वाइन हो जाओगे। मैम मेरे को रैबिट का नहीं पता था। हाँ नहीं पता होता ज़्यादातर बच्चों को बेटा, रैबिट के से भी वूल ऑब्टेन किया जाता है। कैमल के भी जो बॉडी होती है ना बेटा उसमें फर होता है। तो कई कंट्रीज में, मैम मेरे घर बारात गई, क्या बोल रहे हो मानसी? यस मेंटी इज देयर। तो गाइज जब भी एनिमल की बॉडीज पे से फ्लीस को रिमूव किया जाता है तो ऐसा समर में किया जाता है, जिससे कि जब तक विंटर आए उनकी बॉडी पे फिर से फर ग्रो हो जाए। मैम इट वॉज ऑफ रैबिट, यस हाँ अभी बैंड है, इंडिया में नहीं होता है, पर वैसे रैबिट के जो फर होते हैं उससे भी वूल को ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। यस मैम प्लीज टेक माई नेम अभिनव शुक्ला। हाय अभिनव शुक्ला बेटा। मैम वी गेट वूल फ्रॉम रैबिट शीप, अरे वाह सबके आपने पिक्चर ड्रॉ कर दिए। यस बेटा, यस फैजान, शुभम ओझा, आई एम ग्रेट। तो गाइस एनिमल्स की बॉडी पे से जब हेयर फ्लीस रिमूव किया जाता है तो क्या उन एनिमल्स को पेन होता होगा? क्या लगता है आपको एनिमल्स को पेन होता होगा बेटा? कुनाल ओके मेंटी, इफ आई हैव रैबिट आई विल राइट कुनाल इज जेरी रैबिट। गाइस जल्दी से बता दो रुद्राक्ष में पानी क्यों पी रही हूँ? बेटा प्यास लगती है तो पानी पीना पड़ता है, और जब बोलते हैं ना तो थोड़ा ज्यादा प्यास लगती है इसीलिए पानी पीना पड़ता है, ठीक है। नहीं पियो? यस नहीं पेन होता, क्यों नहीं होता बेटा जल्दी से बताओ, व्हाई
नहीं दे डोंट फील एनीथिंग। नहीं बेटा, डेवियन एनिमल्स भी फील करते हैं, पर देखो जैसे हम अपने हेयर को कट करते हैं तो क्या आपको पेन होता है अपने हेयर कट करने में? नो। वाई? बिकॉज बेटा हेयर जो होते हैं दे आर डेड सेल्स। ऐसे ही एनिमल्स की बॉडी पे जो फर होता है इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। तो जब भी हम उनकी बॉडी पे से उस फर को रिमूव करते हैं, जब भी हम उनकी बॉडी पे से फर को रिमूव करते हैं तो उनको पेन नहीं होता है। और हम लोग ऐसा कब करते हैं? ड्यूरिंग समर सीजन, जिससे कि जब तक विंटर आए उनका फर वापस आ जाए। ठीक है बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है? थैंक यू कृष्णा। गाइज इज इट क्लियर टू एवरीबडी? प्लीज गिव मी अ थम्स अप या फिर ये स्वैग वाला सिंबल बना दो। यस, बिकॉज द लेयर ऑफ स्किन इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। यस गाइज इज इट क्लियर टू एवरीबडी? मैम आई एम लेट बिकॉज माई क्लास वॉज गोइंग ऑन। ओके बेटा प्रथमेश, कोई बात नहीं, आप बाद में इसको शुरू से देख सकते हैं, अभी हम आगे चलते हैं। वेरी गुड, थैंक यू मानसी। चलो आगे चलते हैं बेटा, सबको यहाँ तक समझ में आ गया। तो अभी देखो, जो वूल होती है ना शीप के बॉडी पे, वो दो टाइप की होती है। एक होती है कोर्स, मतलब जो हार्ड होती है, रफ एंड हार्ड, और दूसरी होती है जो बहुत ही फाइन और सॉफ्ट हेयर होते हैं, एंड वो ज़्यादातर गोट के अंडर स्किन पे होते हैं, मतलब नीचे वाली स्किन पे होते हैं, अंडर हेयर। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग वूल। तो वूल की अलग अलग वराइटी होती है। एक होती है, एक चुभने वाली वूल होती है जो रफ होती है। गाइस दो टाइप के वूल होती है, एक रफ और दूसरी होती है बहुत ज़्यादा स्मूथ। अभी हमें कैसी वाली वूल चाहिए उसके लिए बेटा हमें सेलेक्टिव ब्रीडिंग करनी पड़ती है। व्हाट डू वी डू? वी डू सेलेक्टिव ब्रीडिंग। गाइस डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलेक्टिव ब्रीडिंग? मैम प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ओके मंत्रणा, देखो वूल जो है दो टाइप की होती है। एक होती है जो रफ होती है, उसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होता। दूसरी होती है जो बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ वूल। ठीक है, अभी उसको, अब हमें कोई भी डिजायर्ड वूल चाहिए तो हमें सेलेक्टिव ब्रीडिंग करनी पड़ती है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग में बेटा हम लोग उस तरह के एनिमल्स को सिलेक्ट करते हैं जो कि जिसका टाइप का कैरेक्टरिस्टिक हमें चाहिए। आप लोगों को मालूम है ना बेटा कैरेक्टरिस्टिक चाहिए? तो गाइस आप लोगों को मालूम है जो पेरेंट्स के फीचर्स होते हैं वही बच्चों के फीचर्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में भी जैसे पेरेंट्स की शक्ल होती है वैसी बच्चों की शक्ल होती है ना बेटा? मैम आपका फेस कैमरा को छोटा करो, नहीं तो मेंटी के पॉइंट्स में नहीं दिखेगा। बेटा जब मेंटी करेंगे ना तब छोटा कर दूंगी। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे याद दिला दिया। अमित मंगल, ये मैम सेलेक्ट द पेरेंट्स विच हैव स्मूथ वूल। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसे एनिमल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं जैसा वूल हमें चाहिए। अगर हमें हल्की क्वालिटी का रफ वाला वूल चाहिए तो हम वैसे वाले शीप या गोट को सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर हमें बहुत सॉफ्ट वाली वूल चाहिए तो हम ऐसे पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं जिनका जो फर होता है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्मूद होता है। भानु प्रिया 75 वॉचिंग एंड 64 लाइक्स। मुझे मालूम है मेरे ऑसम ब्लॉसम किड्स इसको 1 मिनट में 75 पहुंचा देंगे। राइट माई ऑसम ब्लॉसम किड्स, कम ऑन मेक इट 75 लाइक्स क्विकली। जल्दी से इसको 75 लाइक्स बना दो बेटा। मैम अमित इज शुभी आई थिंक। अच्छा ऐसा है क्या? मैम प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश। ओके रितानिया, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। बेटा सेलेक्टिव ब्रीडिंग इज द प्रोसेस वेयर इन वी सेलेक्ट द पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर बेबीज और ऑफ स्प्रिंग्स। ओके सो दिस इज नोन एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। मैम हम ह्यूमन से भी वूल निकाल सकते हैं? नहीं यश, हम ह्यूमन की बॉडीज पे इतना स्ट्रांग फर नहीं होता है, हम भालू जैसे नहीं दिखते हैं। ठीक है, यस सो वी कैन नॉट मेक। मैम रसगुल्ला और गुलाब जामुन, ब्लैक फॉरेस्ट और आइसक्रीम। सोना मैम इज काइंडेस्ट और स्वीटेस्ट। OMG कार्तिक, थैंक यू बेटा। मैम आपकी टेलीग्राम लिंक अवेलेबल ही नहीं है बेटा, यू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो मिल जाएगी। मानसी ओके मैम, मेंटी होवे गाइस, मेंटी होवे, लास्ट में करेंगे मेंटी होवे, खेला होवे। ठीक है गाइस, नहीं आया सेलेक्टिव ब्रीडिंग, अच्छा रुको दोबारा बता देते हैं। शुभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो बेटा देखो जो पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स के फीचर्स एकदम उनके बेबीज जैसे होते हैं। ठीक है, अभी हमें सॉफ्ट वूल चाहिए। श्रुति मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, सुनो ध्यान से श्रुति, शुभी जिसको भी नहीं समझ में आया मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। मयंक न्यू स्टूडेंट हो, वेलकम टू द क्लास। ठीक है, एंड आई रियली होप आप अब से रोज आओगे मेरी क्लास में, है ना? तो बेटा पेरेंट्स के फीचर्स एकदम बेबीज जैसे होते हैं। ओ बेबीज के फीचर्स एकदम पेरेंट्स जैसे होते हैं। ठीक है गाइस,
तो क्या होता है, अभी हम लोग ऐसे शीप को सिलेक्ट करते हैं जैसा वूल हमें चाहिए। अगर हमें सॉफ्ट वूल चाहिए तो हम ऐसे पेरेंट्स को सिलेक्ट करेंगे जिनका जो फर है वो बहुत सॉफ्ट होता है। फिर जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे, ऑफस्प्रिंग्स माने बेबीज, जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे उसके अंदर वही डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जैसे हमें चाहिए। गाइज, दिस प्रोसेस इज नोन एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग, जहाँ पे हम ऐसे पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं जैसा फीचर हमें चाहिए उनके बेबीज में। अभी सबको क्लियर है? हाय अंजलि भट्ट, एलिना, एवरीबडी, युवराज, आई एम नॉट इग्नोरिंग। गाइज, डॉगू आ गया है आपका। मैम, वूल किस तरह के होते हैं प्लीज समझा दो। वूल बेटा सॉफ्ट हो सकता है, हार्ड हो सकता है, डिफरेंट टाइप का वूल हो सकता है। उसको सिलेक्ट करने के लिए हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं। अभी सबको समझ में आ गया तो गिव मी अ थम्स अप। यशवंत, थैंक यू बेटा। ओके, हाय कामना। मैम, आप शिजुका जैसे दिखते हो। डोरेमोन, डोरेमोन, ये क्या हो रहा है? बच्चे मुझे शिजुका बना रहे हैं। डोरेम, फिर अभी डोरेमोन को भी बुलाना पड़ेगा। मैम, आई एम लाइक मरीनो लैम। अच्छा, ओके बेटा, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं बेटा। अभी हम देखेंगे फाइबर, वूल फाइबर को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है बेटा। मैम, मैथ कॉल क्या बोल रहे हो? उन्नति, मुझे समझ में नहीं आया आपका कमेंट। मैम, सेलेक्टिव ब्रीडिंग समझा दो। अनुराधा, सेलेक्टिव ब्रीडिंग में कुछ नहीं होता, सिर्फ हम ऐसे शीप या गोट को सिलेक्ट करते हैं जैसे फीचर्स हमें चाहिए, ठीक है। अगर हमें सॉफ्ट वूल चाहिए तो हम ऐसी शीप को सिलेक्ट करेंगे जिसकी जो फर होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है। क्या हुआ मानसी को, हंसी क्यों आ रही है? मैम, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स? वो बेटा बाद में करेंगे, वैसे बहुत सारे होते हैं, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रीलिक, बहुत सारे होते हैं, उसको हम डिटेल में बाद में करेंगे, ठीक है। अभी सबको समझ में आ गया, यस, नायलॉन भी सिंथेटिक फाइबर है। अभी गाइस देखो, वूल जो है कहाँ कहाँ से मिलती है हमें? वूल मिलती है याक से, जैसे तिब्बत और लद्दाख है वहाँ पे याक होता है। एक एनिमल देखा होगा जिसकी बॉडी पे बहुत सारे फर होते हैं, उसको याक कहते हैं। फिर बेटा अंगोरा, अंगोरा वूल मिलती है अंगोरा गोट्स से, ये रहती है जम्मू एंड कश्मीर में। फिर पश्मीना शॉल मिलती है कश्मीरी गोट से। एंड फर ऑफ कैमल एंड अल्पाका ऑल्सो यील्ड वूल। एंड कैमल एंड अल्पाका कहाँ रहते हैं बेटा? साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका, ठीक है। अर्चना, प्लीज डोंट से लाइट वाला चैप्टर, लाइट जब करेंगे तब करेंगे, अभी हम फाइबर टू फैब्रिक कर रहे हैं, ठीक है। ये हम हैं, ये हमारी मैम है, और ये हमें हम मस्का लगा रहे हैं। क्या बात है, आज मुझे मस्का लगाया जा रहा है, बहुत तेज हो रहे हो तुम लोग। हाँ गाइज, अभी देखो रियरिंग क्या होता है। देखो गाइज, अभी हमें किसी एनिमल से कोई चीज़ ऑब्टेन करनी है तो हमें उस एनिमल का ध्यान रखना पड़ेगा, उसको खाना देना पड़ेगा, राइट। तो वो पूरा प्रोसेस जिसके अंदर हम शीप का टेक केयर करते, वी टेक केयर, वी लुक आफ्टर शीप बाय प्रोवाइडिंग देम फूड, शेल्टर देते हैं, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज देते हैं, तो उसको हम कहते हैं रियरिंग। तो गाइज, व्हाट डू वी मीन बाय रियरिंग? बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज लिसन टू इट वेरी केयरफुली। हाय अनमोल, मैम डेजर्ट में भी होता है ना? क्या बेटा, मैम आप स्पेशल क्लास ले लो प्लीज। आभा भट्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट बेटा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ग्रेट गाइज, सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा कोट। गाइज, तुम लोग क्या कर रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो? पहले मुझे बताओ ये समझ में आ गया रियरिंग या नहीं? टेलीग्राम लिंक बाद में देखना। अनुराधा, प्लीज स्टॉप इट, डोंट स्पैम। भावेश, प्लीज डोंट स्पैम, जल्दी से बताओ रियरिंग समझ में आ गया? रियरिंग समझ में आया गाइज? मैम, थोड़ी देर कमेंट्स मत पढ़िए बेटा, थोड़ी देर कमेंट्स मत करिए। अभी मैं किसी के भी कमेंट्स नहीं पढ़ूंगी बेटा। देखो रियरिंग क्या होता है, देखो रियरिंग में हम शीप को रहने की जगह देते हैं, उसकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, शीप को खाना खिलाते हैं। तो जिस भी एनिमल से, गोट से, शीप से, जिससे भी हमें वूल चाहिए, उस एनिमल की हम टेक केयर करते हैं, वी लुक आफ्टर इट बाय प्रोवाइडिंग देम फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर, दिस इज नोन एज रियरिंग। एंड जो रियरिंग करता है उसको क्या कहते हैं? शेफर्ड। हिंदी में शेफर्ड को क्या कहते हैं गाइस? मैम, प्लस आई एम सो एक्साइटेड अबाउट द अदर नाइट,
बट यू कैन गेट इट फॉर फ्यू मिनट्स अगो बट आई एम क्या लिख रहे हो बेटा रुद्राक्ष क्या कह रहे हो अभी सबको क्लियर है मैम शीप का समझने के लिए शीप बनना पड़ेगा नहीं यार मिरिंडा कितना मिरिंडा है मिरिंडा जैसा मेरा कोट क्या बात है कार्तिक गाइस अभी सबको समझ में आ गया चरवाहा कहते हैं हिंदी में चरवाहा नहीं कहते शेफर्ड को कुछ और कहते हैं क्या कहते हैं चरवाहा चरवाहा कहते हैं अच्छा ठीक है हो सकता है चरवाहा कहते हो चलो ग्रेट गाइस तो शेफर्ड जो होते हैं वो शीप का ध्यान रखते हैं उसको खाना खिलाते हैं थैंक यू मानसी मैम हिंदी में जर्मन शेफर्ड वो डॉग ही होता है मैम कैमल या गिव वूल और नॉट यस प्रथमेश दे गिव वूल ऑल्सो चलो ग्रेट गाइस सबको समझ में आ गया तो आगे चलते हैं गाइस शेफर्ड्स तो शीप आर रियर्ड फॉर वूल इनको शेफर्ड कहते हैं ठीक है शीप का जो लाइफ स्पेन होता है बेटा यूजुअली 10 to 12 years का होता है एंड शीप क्या खाता है ग्रास एंड लीव्स हर्बीवोर्स होते हैं ठीक है एंड अपार्ट फ्रॉम रियर्ड शीप दे आर ऑल्सो फेड ऑन पल्सेस कॉर्न जवार एंड मिनरल्स और विंटर में उनको ड्राई फॉडर दिया जाता है उनका विंटर्स में बहुत ध्यान रखना पड़ता है बेटा ठीक है इज दैट क्लियर नहीं हर्ष मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही हूँ सो गाइज इन केस समबडी हैज स्टिल नॉट डाउनलोडेड दी अनअकैडमी लर्निंग ऐप यू गाइज कैन गो टू योर प्ले स्टोर्स एंड वहाँ प्ले स्टोर से जाकर के आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स देखते हैं बेटा अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यू विल गेट टू लर्न फ्रॉम इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स देर आर गोइंग टू बी लाइव इंटरएक्टिव क्लासेस लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होंगे आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDFs मिलेंगे डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड Sona10 देविका इट्स ओके डोंट स्पैम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स देखते हैं बेटा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स मिलते हैं यू गेट टू हैव अ पर्सनल मेंटर आपको लाइव डाउट सॉल्यूशंस भी मिलते हैं ठीक है ऑल्सो लुक एट द प्राइजेज ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन डिफरेंट ड्यूरेशन के हैं 6 months 12 months 15 months जितना ज़्यादा ड्यूरेशन का आप कोर्स लेंगे उतना ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलता है ऑल्सो यू कैन कंपेयर द प्राइसेस बिफोर एंड आफ्टर अप्लाइंग योर एजुकेटर्स कोड अभी देखते हैं प्राइसेस फॉर दी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगेन ये भी डिफरेंट ड्यूरेशन का है इनके भी प्राइसेस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यू कैन कंपेयर द प्राइसेस बिफोर एंड आफ्टर अप्लाइंग योर एजुकेटर्स कोड ऑल्सो गाइज इफ़ यू वॉन्ट टू अटेंड फ्री स्पेशल क्लासेज एंड फ्री टेस्ट सीरीज यू कैन वॉच देम फ्री ऑफ कॉस्ट बाई यूजिंग माई कोड Sona10 ओके गाइज नहीं नहीं मैं डोरेमोन नहीं देखती पर मैं जब छोटी थी तब मैं देखती थी डोरेमोन वाओ गाइज 85 लाइक्स हो चुके हैं दैट इज सो कूल एंड गाइज हमारा रिकॉर्ड रहा है पूरे लास्ट वीक हमारे लाइक्स रहे हैं 111 प्लस ठीक है गाइज सो वी आर एमिंग फॉर 100 प्लस लाइक्स ग्रेट गाइज चलो अभी देखते हैं बेटा जो वूल फाइबर होता है उससे हमें वूल फाइबर कैसे मिलता है वूल फ्लीस से हम फाइबर को कैसे ऑब्टेन करते हैं कोई बात नहीं अविनाश आप पढ़ाई करिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए हाय गौरी शंकर राजपूत अंशु मेंटी लास्ट में करेंगे ये लास्ट टॉपिक है इस टॉपिक को करने के बाद गाइज वूल ऑब्टेन करने के 6 steps हैं 6 पहला स्टेप शियरिंग शियरिंग में क्या करते हैं बेटा एनिमल की बॉडी पे से फर को रिमूव किया जाता है कट कर दिया जाता है तो वेन एवर फ्लीस इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल्स इट इज नोन एज शियरिंग सेकेंड स्टेप होता है स्काउरिंग स्काउरिंग में बेटा उसको लार्ज टैंक्स में वॉश किया जाता है क्योंकि जो एनिमल की बॉडी होती है उससे बहुत सारा डस्ट ग्रीस ये सब चीज़ें होंगी तो उसको क्लीन करने के प्रोसेस को हम कहते हैं स्काउरिंग तो फर्स्ट प्रोसेस था शियरिंग सेकेंड प्रोसेस था स्काउरिंग उसके बाद बेटा नेक्स्ट है थर्ड प्रोसेस विच इज सॉर्टिंग इसके बाद बेटा सॉर्ट किया जाता है जो भी सेम टेक्सचर के वूल होते हैं उनको इकट्ठे रखा जाता है उनकी लेंथ के हिसाब से उनको सॉर्ट किया जाता है ठीक है तो उस सॉर्ट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं सॉर्टिंग उसके बाद बेटा जो बर्ड्स होते हैं कई बार आपने देखा होगा ना रुए जिसको हिंदी में कहते हैं स्वेटर्स पे आ जाते हैं तो वो जो वूल होती है उस पे से हम लोग बर्ड्स को रिमूव कर देते हैं वी रिमूव बर्ड्स उसके बाद गाइस जो नेचुरल वूल होती है वो यूजुअली वाइट ब्राउन या ब्लैक कलर की होती है तो इसकी डाई करी जाती है इस पर डिफरेंट कलर्स की
मैम डिफरेंट मैम लास्ट में माइंड मैप बना दी देना, ठीक है बेटा नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे माइंड मैप, ठीक है। हाय मिताली, सुप्रिया, एवरीबॉडी, सुप्रिया ये क्या कर रहे हो आप? क्विज हम नहीं कर रहे, ये वाला क्विज नहीं है। क्विज अभी मैं दे दूंगी बेटा, लास्ट में करेंगे मेंटी क्विज, ठीक है। ओके गाइस, सबको समझ में आ रहे हैं ये सारे स्टेप्स? आई डोंट नो रुचि, बर्न क्या होता है बेटा? जो आपने विंटर में आप जो वुलन स्वेटर पहनते हो उस पर आपने देखा है रुए बन जाते हैं, उसको उसको बोलते हैं बर्ड्स, ठीक है बेटा। इज इट क्लियर? लास्ट मेथड होता है बेटा, उसमें हम यार्न बना देते हैं, ठीक है। यार्न क्या होता है? थ्रेड होते हैं, दीज आर लूज थ्रेड, जिसको वीव करके या निट करके हम पूरा स्वेटर बनाते हैं। अब पूरे प्रोसेस को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में कई बार सभी बच्चों को नहीं समझ में आता। ज्योति मैम पिज्जा, गुरलीन मैम काजू कतली, सोनाक्षी मैम गुलाब जामुन, ये कौन बोल रहा है भाई? हमको खाना बना दिया? हाँ मैंने स्पैम कर, जो बच्चे स्पैम कर रहे थे मैंने उनको टाइम आउट दे दिया है, ठीक है बेटा। फिर से देखो, शियरिंग में क्या किया? एनिमल की बॉडी पे से हमने फर को रिमूव कर दिया। गाइस एनिमल की बॉडी पे से फर को रिमूव किया, उसे शियरिंग का, शियरिंग समझ में आया तो थम्स अप दे दो। गाइस नो बातें, ओनली पढ़ाई, जल्दी से करो, बाद में बातें करेंगे मेंटी के टाइम पे पक्का। मैम मेरे को समझ में आ गया, कोई बात नहीं फैजान, बाकी बच्चों को भी आ रहे तो मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगी, जिसको भी डाउट हो दोबारा पूछ लेना। शियरिंग समझ में आ गया? शियरिंग मतलब एनिमल की बॉडी पे से फर को रिमूव करना। सबको समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट चलते हैं स्काउरिंग। अभी जो हमने फ्लीस को रिमूव कर लिया, अभी फ्लीस को वॉश करने को, फ्लीस को जब हमने बेटा वॉश किया उसको हमने कहा स्काउरिंग। अभी स्काउरिंग भी समझ में आ गया तो थम्स अप दे दो। मैम व्हाई आर यू इग्नोरिंग टुडे? रिया बेटा आई एम नॉट इग्नोरिंग एनीबडी। मीना बेटा आई हैव टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक ना, पहले टॉपिक समझेंगे फिर हमें मेंटी भी करना है, बिकॉज मेरे सारे ऑसम ब्लॉसम किड्स आर वेरी सेंटी फॉर मेंटी, राइट माई ऑसम ब्लॉसम किड्स। गाइज शियरिंग एंड स्काउरिंग, शियरिंग में एनिमल के बॉडी पे से फर को रिमूव कर दिया। सेकेंड प्रोसेस है स्काउरिंग, स्काउरिंग में वो जो हमने फ्लीस ऑब्टेन किया उसको हमने वॉश करा, क्लीन करा। शियरिंग एंड स्काउरिंग सिर्फ इतना ही समझेंगे, दो ही पॉइंट्स। शियरिंग मतलब फर को रिमूव करना, स्काउरिंग मीन्स उसको वॉश करना। गाइज इतना क्लियर हो गया? मैम आपका क्विज वाला कोड क्या है लास्ट में बताती हूँ। आशीष जायसवाल, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे बेटा। दोनों पॉइंट्स क्लियर है मैम? ये सुनो, डॉग है ना, ये शीप है। कार्तिक मैम, अर्चना मैम नॉट एबल टू से एक्यूरेटली बिकॉज देर इज सो मेनी एनिमल्स दैट इल, हाँ 50+, यस कार्तिक। चलो फर्स्ट टू पॉइंट सबको समझ में आ गए, अभी थर्ड पॉइंट देखते हैं, सॉर्टिंग। बेटा जब हमने उस फ्लीस को वॉश कर लिया तो अभी हम जो एक जैसी दिखने वाली फ्लीस है उसको सॉर्ट कर लेंगे। सपोज करो किसी की लेंथ इतनी है, किसी की इतनी है, किसी की इतनी है, तो बराबर बराबर लेंथ वालों को हमने एक साथ रख लिया, एक जैसे फीचर्स वाले वूल को हमने एक साथ कर लिया, इसको हम कहते हैं सॉर्टिंग। गाइस सॉर्टिंग भी समझ में आ गया? सॉर्टिंग मतलब एक जैसे फीचर्स वाले फाइबर्स को एक साथ रखना। मैम व्हाट इज फ्लीस? फ्लीस मतलब एनिमल्स की बॉडी पे जो फर होता है ना बेटा, उसको हम फ्लीस कहते हैं। मैम 90 लाइक्स, वाओ दैट इज सो कूल, 91 लाइक्स, सो कूल। गाइस सबको समझ में आ गया यहाँ तक? मैम आपका अन अकेडमी पे क्वेज वाला कोड क्या है? सोना 10। फ्लीस एनिमल की बॉडी पे जो फर होता है उसको फ्लीस कहते हैं। हाय सनी जायसवाल, मैम व्हाट इज फ्लीस? बेटा अभी तो बताया एनिमल की बॉडी पे जो फर है उसको फ्लीस कहते हैं। हाय रेवियोल, हाय बेटा कितना लेट आए हो, आधे से ज़्यादा क्लास निकल गई। अभी सबको तीनों प्रोसेस समझ में आ गए, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनो। शियरिंग एनिमल की बॉडी पे से फर को रिमूव करना, स्काउरिंग जो फर हमने रिमूव किया है उसको वॉश करना इज स्काउरिंग, फिर सॉर्टिंग एक जैसे दिखने वाले वूल को एक साथ सॉर्ट करना या ग्रुप करना इज नोन एज सॉर्टिंग। गाइस अभी समझ में आ गया? शियरिंग रिमूव करना बॉडी पे से फर,
स्काउरिंग उसको वॉश करना, थर्ड सॉर्ट करना, सॉर्ट मतलब एक एक ग्रुप्स में डिवाइड करना, ठीक है मैम? ये पक्का मेंटी में आएगा? हाँ बेटा सब कुछ आएगा मेंटी में, जो जो हमने आज पढ़ा है। चलो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा रिमूविंग बर्स। बर होते हैं बेटा जो सॉफ्ट फ्लफी फाइबर्स बन जाते हैं वूल के ऊपर, जिसे हम हिंदी में रुएं कहते हैं, उसको पिक करके रिमूव करना पड़ता है। तो बर्ड्स को रिमूव करना पड़ता है फोर्थ स्टेप में। फिफ्थ स्टेप में हम उसको अपने मनचाहे कलर पे डाई कर सकते हैं। तभी तो स्वेटर्स अलग अलग कलर के आते हैं, पिंक, रेड, ब्लू, पर्पल, कोई भी कलर में डाई कर लिया जाता है। उसके बाद मेकिंग यार्न, वूल को स्ट्रेट किया जाता है, उसको कॉम किया जाता है, उसके बाद उससे यार्न बनाया जाता है, फिर उससे स्वेटर बनते हैं, ठीक है बेटा? सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी। अब बेटा जब भी सॉर्टिंग की जाती है ना, तो वूल के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का नाम है एंथ्रैक्स। तो ये जो एंथ्रैक्स बैक्टीरिया है, इसकी वजह से जो वर्कर्स वहाँ वर्क करते हैं उनको स्किन डिजीज हो जाता है, एंड दैट स्किन डिजीज इज नोन एज सॉर्टर्स डिजीज। गाइस, तो सॉर्टर्स डिजीज इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया? सॉर्टर्स डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंथ्रैक्स। तो बैक्टीरिया का नाम है एंथ्रैक्स एंड डिजीज का नाम है सॉर्टर्स डिजीज। मैम एक बार मेकिंग यार्न बता दो। मेकिंग यार्न में बेटा क्या होता है, जो हमें फ्लीस मिला है ना, जिसको हमने वॉश कर लिया, क्लीन कर लिया, डाई कर लिया, तो कई बार आपने देखा होगा वो उलझा हुआ होता है, तो उसको पहले कॉम किया जाता है, उसको स्ट्रेट किया जाता है और उससे लूज थ्रेड मिल जाते हैं। आपने किसी को स्वेटर बुनते हुए देखा है? वो जो नीडल होती है, निटिंग नीडल, उससे स्वेटर बनाते हुए देखा है? तो वो जो फॉर्म होता है जिससे स्वेटर बना रहा है, उसको हम यार्न कहते हैं। तो लूज थ्रेड जो होते हैं उनको हम क्या कह रहे हैं? यार्न, ठीक है बेटा? हाय गुनगुन, सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। एंथ्रेक्स इज अ स्किन डिजीज विच कैन बी फेटल एज वेल, ठीक है? ओके ग्रेट गाइज। नाउ अभी स्किन स्क्रीन पे देखो गाइज क्या लिखा है। आपने अपनी ग्रैंड मदर को देखा है बनाते हुए, तो वो जिससे स्वेटर बना रही है वो यार्न होता है, ठीक है? सबको क्लियर हो गया गाइस? क्या लिखा है स्क्रीन पर मैम? दैट इज रिमूविंग बर। हाँ बेटा रिमूव भी करने पड़ते हैं बर को। यस मैम, मॉम को देखा है, वेरी गुड बेटा। सो आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू एवरीबॉडी। शाम वाले क्लास में बेटा इसका हम क्विक रिवीजन करेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट सिल्क, ठीक है? इसके बाद सिल्क फाइबर करेंगे शाम को 6 PM वाली क्लास में। एंड आई वॉन्ट ऑल 100 स्टूडेंट्स टू बी देयर। जो भी 100 स्टूडेंट्स अभी क्लास में है वो शाम को 6 बजे आ जाना बिल्कुल शार्प, 6 PM शार्प गाइज हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? उसमें भी बॉयज वर्सेज गर्ल्स मेंटी करेंगे। सो गाइज मेंटी टाइम, गाइज मेंटी ज्वाइन कर लो। लेट मी ओपन द मेंटी क्विज फॉर यू। मेंटी टाइम गाइज, मेंटी टाइम। सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा कोट, सुन जरा सुन क्या कहती है। गाइस 98 लाइक्स, व्हाट इज दिस? 110 लाइक्स पे हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा मेंटी क्विज। मैम आई एम नॉट गेटिंग नोटिफाइड विद द लाइव क्लासेस। रिया आपने सब्सक्राइब तो किया होगा पर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया होगा, उसको भी प्रेस कर देना, ठीक है? फिर आएगा। हाय इकरा, हाय क्लेयर, हाँ मुझे याद है। तो जो नए बच्चे आए हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को एक नया नाम दिया है, एंड आई कॉल ऑल माय स्टूडेंट्स एज माय ऑसम एंड ब्लॉसम किड्स। सो ऑल माय ऑसम ब्लॉसम किड्स, जल्दी से क्विज ज्वाइन कर लो। मैं ये क्विज का कोड शेयर कर रही हूँ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप गाइस, टेलीग्राम ग्रुप। सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा कोट, डोरेमोन डोरेमोन मुझे भी मेंटी ज्वाइन करना है। नो बेटा, लेकिन तुम कैसे ज्वाइन करोगे, तुम्हारे पास तो कोड है ही नहीं। तो क्या हुआ डोरेमोन? मैम मुझे कोड दे देंगी। सोना मैम कैन गिव अस कोड। 7930-8840 बॉयज वर्सेस गर्ल्स मेंटी कोड इज दिस, ज्वाइन फास्ट। गाइज आई हैव शेयर्ड द मेंटी कोड इन आवर टेलीग्राम ग्रुप। अगर किसी को कोड नहीं मिला है तो जाकर के ग्रुप पे देख लो, अगर स्क्रीन पे कोड नहीं दिख रहा है तो, ठीक है ना बेटा? एवरीवन ज्वाइन फास्ट, सब लोग ज्वाइन करके बेटा, ज्वाइन करके मुझे कमेंट्स में बता दो। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, 2 मिनट्स में जल्दी से क्विज ज्वाइन कर लो।
गाइज 105 लाइक्स हो चुके हैं, 5 मोर लाइक्स टू गो, 2 मिनट्स मोर आई एम गिविंग यू गाइज। जितने भी 100 बच्चे क्लास में हैं, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी देयर एट 6 PM शार्प। इसका पार्ट टू करेंगे, फाइबर टू फैब्रिक का, एनिमल फाइबर में हम सिल्क को करेंगे। मैम आपके लिए नाश्ता। क्या बात है तुलसी, तुम तो मेरा कितना ध्यान रखते हो, थैंक यू बेटा। हाँ 150 पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एक मिनट और रह गया, जल्दी से जिसने भी ज्वाइन नहीं करा कोड डाल के एंटर कर दो। मैम 108 लाइक्स हो गए, वाओ गाइस 110 लाइक्स, नॉट बैड गाइस, नॉट बैड। जल्दी से ज्वाइन कर लो। मैम डॉगू आ गया, लिसन। हाँ बेटा, हाँ मैंने सुना डॉगू आ गया। मैम स्टार्ट, आई हैव ज्वाइन। बेटा एक मिनट और दे रही हूँ। मानसी मैम आई कैन नॉट कम, क्यों क्या हुआ, जल्दी से ज्वाइन करो। हाय एंजल मैम, ओनली 6 क्वेश्चंस आर देयर। यस बेटा, क्योंकि 2 बजे तक ही हमारी क्लास है। तो गाइस हमारा लाइक टारगेट हो गया है 111 लाइक्स, ऑसम। क्या बात है मेरे ऑसम ब्लॉसम किड्स, तुम लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। ऑसम ब्लॉसम किड्स, सो कूल। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। 150 हो गए बेटा, आई एम पोस्टिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। मैम तुलसी को खा लो। नहीं नहीं नहीं, तुलसी को चाय में डाल के पीते हैं। नेक्स्ट, चलो गाइस, अंगोरा वूल किससे मिलता है? अंगोरा वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश कैमल, याक या गोट। हाय विश्वनाथ मैम, 113 लाइक्स कंप्लीट, क्या बात है। गाइस बॉयज जीतने वाले हैं या गर्ल्स? गर्ल्स ऑल द बेस्ट, बॉयज ऑल द बेस्ट। गाइस लास्ट 2 क्लासेस में बॉयज जीत रहे हैं, तो गर्ल्स अगर जीतना है तो फास्टेस्ट आंसर करना पड़ेगा। मैम हलवा क्वेश्चन, अभी देखना कितने बच्चे गलत करेंगे हलवा क्वेश्चन। सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा कोट, सुन जरा सुन। देखो कितने बच्चों ने गलत किया, किसको लगता है कैमल और याक से मिलता है, भाई कौन है वो? अंगोरा वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स, गाइस गोट से मिलता है। कार्तिक 2 सेकंड में आंसर किया। मैम मेरे को तुलसी चबाता हूँ रोज। यू आर बकरी? नो बेटा, नो, नो बडी इज बकरी इन माई क्लास। सब बच्चे मेरे ऑसम ब्लॉसम किड्स, राइट? हु इज माई ऑसम ब्लॉसम किड, जल्दी से कमेंट में बता दो। एक थम्स अप दे दो, जो जो मेरा ऑसम ब्लॉसम किड है, एक एक थम्स अप दे दो यार। यू लाइक योर नेम, कौन कौन है मेरा ऑसम ब्लॉसम किड, जल्दी से बता दो। प्रभा है, टैकल है, यशी, जल्दी से थम्स अप दे दो। जो जो मेरा ऑसम ब्लॉसम किड है वो थम्स अप दे दो। क्या बात है, सब मेरे ऑसम ब्लॉसम किड्स हैं, वेरी गुड। चलो अभी देखते हैं लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड चाइन गाइस। अच्छा हाँ, मैं अपना ये इमेज छोटा कर देती हूँ जिससे कि आप लोगों को पॉइंट्स दिखते रहे, है ना। अभी आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे ना बेटा, पॉइंट्स दिख रहे हैं, देखो गाइस पॉइंट्स दिख रहे हैं, वेरी गुड। एवरीबॉडी इज माई ऑसम ब्लॉसम किड्स। सो गाइज बॉयज टीम इज लीडिंग, फर्स्ट प्लेस पे है जोहाना, विपुल, हिमांशु, दृष्टि, दिव्या, हैप्पी शर्मा, एलिना, सिंधु, आशुतोष रंजन एंड आभा। ग्रेट गाइज, मैम मुझे ऑसम ब्लॉसम किड भी बनता हूँ। ओके बेटा ओके, सो एवरीबॉडी इज माई ऑसम ब्लॉसम किड एंड बॉयज टीम इज लीडिंग। सो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। जो बच्चे लेट आए हैं उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा बेटा, क्लास के बाद पूरा वीडियो देख लेना, सारे समझ में आ जाएंगे। तो लामा एंड अल्पाका यील्ड डैश, लामा और अल्पाका से क्या मिलता है एंड वो कहाँ मिलते हैं, वेयर आर दे फाउंड, जल्दी से मुझे बता दीजिए। यस गाइज हाउ मैनी, अच्छा जल्दी से बता दो। जो भी बच्चे ए कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। कौन है जो कह रहा है ये है गाइस? इतना इजी क्वेश्चन भी गलत करोगे, ऐसे कौन करता है भाई? वेरी गुड, लामा एंड अल्पाका बेटा हमको वूल देते हैं एंड दे आर नॉट फाउंड इन इंडिया, दे आर फाउंड इन साउथ अमेरिका। ओके गाइस, मिस क्लिक हुआ मीना, कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स, उससे पहले देखते हैं लीडर बोर्ड, बॉयज टीम आगे है या गर्ल्स टीम। सो बेटा बॉयज टीम इज लीडिंग अगेन, विपुल इज एट फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस पे हैप्पी शर्मा, दृष्टि, अनुराधा, मानसी, एलिना, जेरी, अरे वाह कार्तिक,
देन तृप्ति तन्मय सोना मैम्स ऑसम ब्लॉसम किड थैंक यू तन्मय एंड लास्ट पे है आशुतोष। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स नाउ गाइस। बस इतना लाइक टारगेट बहुत है हमारे लिए, ओनली 116 लाइक्स मैम मेरी। OMG, कोई बात नहीं श्रू, आप ध्यान रखो, प्लीज टेक केयर। हाय रेव्यूल, हाय रेव्यूल बेटा, आपने ज्वाइन नहीं किया क्विज। सो गाइस, आज जो भी टीम जीतेगी उसको मिलेगा ट्रॉफी, एंड जो फर्स्ट आएगा उसको हम देंगे गोल्ड मेडल, ठीक है? इज दैट ओके गाइस? हाय रेव्यूल, प्लीज डोंट स्पैम। ओके बेटा, हाय एमडी कामरान। रेव्यूल भूल गए थे क्लास में आना, कोई बात नहीं। वेरी क्यूट क्यूटी पाई, क्या नाम है आपका? वेरी क्यूट क्यूटी पाई, मिस क्लिक हो गया गाइस। इसको क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द पेरेंट्स जेरी वूल। यस, जेरी की बॉडी पे तो वूल भी मिल जाएगा हमें। यस गाइस, इसको कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सो लेट्स चेक आउट द लीडर बोर्ड नाउ। मैम आई वुड गिव जेरी सिल्क, ठीक है? नेक्स्ट वाली क्लास में देना, 6 बजे वाली क्लास में। गाइस शाम को 6 बजे क्लास है, इसके बाद सब लोग मिलेंगे शाम को 6 बजे। आई वॉन्ट ऑल 100 किड्स टू बी देयर इन द 6 PM क्लास। शार्प 6 PM पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? OMG मानसी, मजाक कर रहे थे, आपका तो सही हुआ है। फर्स्ट प्लेस पे है विपुल, बॉयज टीम लीडिंग। देन वी हैव दृष्टि, हैप्पी शर्मा, मानसी, कार्तिक, अनुराधा, तृप्ति, शुभी। हाय शुभी, यू आर ऑल्सो ऑन द लीडर बोर्ड नाउ। देन तन्मय, एंड उसके बाद है गृहश्री। वाह गृहश्री, यू आर ऑन द लीडर बोर्ड नाउ। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। रेव्यूल इट्स ओके, डोंट से सॉरी बट डोंट स्पैम। मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है, ठीक है? चलो एमडी कामरान, आई एम ग्रेट, हाउ आर यू बेटा? सो गाइस, सॉर्टर्स डिजीज किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से, फंगस की वजह से, या प्रोटोजोआ की वजह से? जल्दी से बता दो गाइस। सॉर्टर्स डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, फंगस, या प्रोटोजोआ? डोरेमोन, डोरेमोन, देखो बॉयज जीत रहे हैं। नहीं डोरेमोन, नहीं, डोरेमोन को लगता है बॉयज जीत जाएंगे। गर्ल्स क्या कर रही हो, हार जाओगी। सो गाइस करेक्ट आंसर इज बैक्टीरिया। जल्दी से कमेंट्स में उस बैक्टीरिया का नाम बता दो गाइस, कम ऑन, टेल मी द नेम ऑफ द बैक्टीरिया। रेवियोल, इट्स नॉट फंगस, बैक्टीरिया की वजह से होता है सॉर्टर्स डिजीज। गाइस विच बैक्टीरिया कॉजेज सॉर्टर्स डिजीज? बैक्टीरिया का नाम फटाफट से कमेंट्स में बता दो मुझे गाइस। विच बैक्टीरिया कॉजेज सॉर्टर्स डिजीज? वेरी गुड हैप्पी शर्मा, वेरी गुड फौजान। मैम इसका तो हम अपने बायो के सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स में। अच्छा यस कार्तिक, इट इज एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। यस का, अभी देखते हैं कौन आता है लीडर बोर्ड पे, बॉयज या गर्ल्स। बहुत ही क्लोज है, दृष्टि ने बहुत तेज आंसर किया है इस बार, हैप्पी शर्मा ने भी। हैप्पी शर्मा कौन है? फर्स्ट प्लेस पे है विपुल, बॉयज टीम लीडिंग वंस अगेन। देन वी हैव हैप्पी शर्मा, दृष्टि, मानसी, तृप्ति, अलीना, गृहश्री, हिमांशु, शुभी एंड तन्मय। तन्मय इज माय ऑसम ब्लॉसम किड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ऑन योर स्क्रीन। वेरी गुड बेटा, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया है जिसकी वजह से होता है सॉर्टर्स डिजीज। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिश देशमुख मैम, इन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कॉम्बैट इट इज रिटन रिवॉर्ड्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स, इज इट ट्रू? बेटा क्रिश, क्या है कि अभी उसकी डेट निकल गई है, कल था, अभी नेक्स्ट होगा नेक्स्ट संडे को, तब आप कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द चांस टू विन स्कॉलरशिप, ठीक है? गाइस वूल को जब हम कट ऑफ करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेयर वूल या फ्लीस? अरे ए और बी कौन कह रहा है, गलत है ए और बी। गाइस ध्यान से आंसर करो ना, गलत क्यों कर रहे हो? यस एलिना, सो करेक्ट आंसर इज बेटा फ्लीस, वेरी गुड। चलो चलते हैं लीडर बोर्ड पे, लीडर बोर्ड टाइम गाइस। मानसी का सही है, मानसी बार बार मुझे बुद्धू बनाने का ट्राई कर रही है। हाँ सो गाइस अगेन हैप्पी शर्मा, बॉयज टीम है लीडिंग पे, सेकंड विपुल, देन वी हैव दृष्टि, तृप्ति,
हिमांशु, मानसी, गृहश्री, अलीना, तन्मय एंड शुभी। ग्रेट गाइज, मैम आई एम सब्सक्राइब। अच्छा आपने सब्सक्राइब कर लिया रेव्यू, वेरी गुड बेटा। मैम फेवरेट स्टूडेंट नॉट इन लीडर बोर्ड, सारे मेरे स्टूडेंट्स फेवरेट है बेटा। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स नाउ बेटा, लास्ट क्वेश्चन फॉर मेंटी ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। हाय कनिष्का सिंह, कितना लेट आते हो आप, OMG, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था, ये क्या हुआ। गाइज आई विल हैव टू रिमूव दिस क्वेश्चन, टेक्निकल एरर, टेक्निकल एरर कब हमारा पीछा छोड़ेगी। तो लेट्स चेक आउट कौन होता है हमारा आज का विनर बेटा, लेट्स चेक आउट द विनर। यस गृहश्री, कोई बात नहीं, मैंने उसे हटा दिया। फर्स्ट है अभी विपुल, सो विनर, ओ हैप्पी है विनर, तो फर्स्ट है हैप्पी, तो बॉयज टीम इज द विनर टुडे। सो एज प्रॉमिस्ड आई विल गिव यू द ट्रॉफी। सो गाइज ये ट्रॉफी किसको मिलती है आज, गाइज ट्रॉफी किसको मिली, बॉयज टीम को। सो विनर फॉर टुडे इज बॉयज टीम, बॉयज टीम ये है आप लोगों की ट्रॉफी। कॉन्ग्रेचुलेशंस बॉयज, आपको मिलते हैं नकली दिल OP। गाइज ये स्कैम वाला दिल है, ठीक है, ये नकली दिल है। नाउ आई विल गिव द मेडल, फर्स्ट मिलता है मेडल आज विपुल को। विपुल कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ इट। नाउ आई विल राइट द नेम ऑफ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑन द स्क्रीन। ओके मैम, हैप्पी शर्मा को मिला है, हैप्पी इज गर्ल और बॉय। गाइज हैप्पी कौन है, OMG गलत कर दिया, हैप्पी इज अ गर्ल, OMG फिर तो ये चेंज हो जाएगा पूरा। सॉरी बॉयज आई हैव टू टेक दिस ट्रॉफी बैक, बॉयज सॉरी, सॉरी फॉर टुडे गर्ल्स। हैप्पी गर्ल है, कौन है हैप्पी जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट में बताओ। मैम हैप्पी इज सेइंग शी इज अ गर्ल, OMG। सो बॉयज आपकी ट्रॉफी चली गई है आपके हाथ से। सो फर्स्ट है अभी गर्ल्स टीम, गर्ल्स टीम को मिली है ये ट्रॉफी। गर्ल्स नकली दिल OP, सॉरी बेटा हैप्पी, मुझे लगा कि अच्छा पाठक ऑफिशियल आप हैप्पी और आप गर्ल्स टीम पे हो। सो विनर फॉर टुडे इज गर्ल्स टीम, गर्ल्स स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रेट। एंड सॉरी विपुल, मुझे आपसे मेडल लेना पड़ेगा, विनर है आज हैप्पी शर्मा। हैप्पी नाउ आर यू हैप्पी टू रिसीव दिस मेडल, ग्रेट बेटा हैप्पी को मिलता है ये। अभी सेकेंड थर्ड कौन है, विपुल, दृष्टि, तृप्ति, सेकेंड इज विपुल, तृप्ति, विपुल, दृष्टि, तृप्ति। क्या हो रहा है गाइज आज, फर्स्ट हैप्पी, सेकेंड विपुल, दृष्टि, विपुल, दृष्टि, फिर उसके बाद मैम धोखा विपुल के साथ, नहीं विपुल के साथ नहीं बेटा, गलती हो गई थी, तृप्ति एंड उसके बाद कौन है बेटा, किसने ने देखा था, नाम बता दो। दृष्टि, तृप्ति एंड मानसी, दृष्टि, तृप्ति एंड मानसी। सो गाइज द विनर फॉर टुडे इज हैप्पी शर्मा को मिलता है ये मेडल, सेकेंड इज विपुल, दृष्टि, तृप्ति एंड मानसी, ग्रेट गाइज। तो गाइज आज के क्लास में हमने पढ़ा फाइबर क्या होता है, फिर हमने देखा फैब्रिक क्या होता है, उसके बाद गाइज हमने देखा नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स, हमने देखे नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। फिर बेटा हमने नेचुरल फाइबर्स दो टाइप के देखे, एनिमल फाइबर एंड प्लांट फाइबर। प्लांट फाइबर दो टाइप के थे, कॉटन एंड जूट, इनको हमने डिटेल में सिक्स्थ क्लास में करा है। तो आज की क्लास में हमने डिटेल में पढ़ा एनिमल फाइबर क्या होता है, एनिमल फाइबर। एंड फाइनली गाइज हमने एनिमल फाइबर में आज डिटेल में पढ़ा अबाउट वूल।
तो वूल के प्रोसेसिंग के बारे में हमने पढ़ा गाइस। रियरिंग क्या होता है, शियरिंग, स्काउरिंग, सॉर्टिंग, रिमूविंग बर्ड्स, डाइंग, ये सारे प्रोसेसेस के बारे में हमने पढ़ा। आयुषी मेंटी हो चुका है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर अटेंडिंग टुडेज लेक्चर एंड आई रियली होप गाइस आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, राइट गाइज? सो थैंक यू सो मच। अभी हम क्लास को एंड करते हैं। हाय काबिला श्री, बेटा ये वीडियो को शुरू से देख लेना, रिकॉर्डेड को, ठीक है? जिसका भी मिस हुआ है, कोई भी डाउट हो तो क्लास के बाद कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक है गाइस? क्लियर हो गया? बाय गाइस, हैव अ नाइस डे। और जाते जाते क्लास को लाइक करके जाना इफ यू लाइक द सेशन, ठीक है? बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।